तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि Redmi Note 9 Pro के एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे कई सारे स्पेसिफिकेशन को लिस्ट किया गया था और उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी Redmi Note 9 Pro के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड, अगर आप वेट कर रहे हो Redmi Note 9 Pro के लॉन्च होने का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में Redmi Note 9 Pro के कन्फर्म्ड र्यूमर्स स्पेसिफिकेशन के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही जान लें कि Redmi Note 9 Pro में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, किस प्राइस पॉइंट पर यह इंडिया में लॉन्च होने वाला है और कितने वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे बात करें डिज़ाइन एंड बॉडी बिल्ड के बारे में, तो बैक पैनल में हमें सेम वही लुक देखने को मिलेगा जो कि हमने अभी रिसेंटली Redmi 10 Pro में देखा है, एकदम क्लासिक लुक के साथ, जो कि Redmi Note 8 Pro के बैक पैनल से काफ़ी अलग होने वाला है। फ़ोन के बैक पैनल में कई मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक क्लासिक लुक के साथ फ़ोन का बैक पैनल होने वाला है, तो यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसका कि मेन प्राइमरी सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल तक का। बाकी के तीन कैमरों में हमें 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा। इस बार हमें मेन कैमरे में भी एक मेजर अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि सोनी के लेटेस्ट सेंसर IMX686 को सपोर्ट करता है। साथ ही ये कैमरा 30x ऑप्टिकल जूम और 100x डिजिटल जूम को सपोर्ट करने वाला है। बात करें फोन के फ्रंट पैनल की, तो यहाँ पे हमें 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि IPS LCD पैनल के साथ आने वाला है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, बट यहाँ पे एक मेजर अपडेट देखने को मिल रहा है। हमें Redmi Note 9 Pro में सुपर एमल पैनल देखने को मिलेगा, जो कि अपने स्टैंडर्ड 60Hz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। यहाँ पे फोन के डिस्प्ले में हमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि 2340x1080 पिक्सल डेंसिटी के साथ देखने को मिलेगा। फोन के फ्रंट पैनल में हमें एक पंच होल डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि 20 मेगापिक्सल AI सेल्फी शूटर कैमरे के साथ देखने को मिलेगा। बात करें फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो Redmi Note 9 Pro में इस बार हमें Snapdragon का लेटेस्ट प्रोसेसर 730G देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल एक पावरफुल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू अपडेटेड रूमर्स, हमें इस बार Redmi Note 9 Pro में MediaTek का रिसेंट प्रोसेसर Dimensity 800 सीरीज देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादातर चांसेस है कि Redmi अपने फ़ोन में इस प्रोसेसर को डेफिनेटली यूज़ कर सकती है, क्योंकि इससे पहले Redmi Note 8 Pro में हमें MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिला था और डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराती थी। ये देखना बहुत ही मज़ेदार होगा कि इस बार हमें Redmi Note 9 Pro में कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिलेगा या नया MediaTek का Dimensity 800 सीरीज देखने को मिलेगा? आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि Redmi Note 9 सीरीज में हमें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इस बार डिवाइस को पावर देने के लिए 4500mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 35W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। Redmi Note 9 Pro Android के लेटेस्ट वर्जन Android 10 पे वर्क करेगा, जो कि MIUI 11 पे बेस्ड है। फोन हमें तीन वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 128GB एंड 8GB 256GB की वेरिएंट के साथ। बात यहाँ पे करें प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो Redmi Note 9 Pro का बेस वेरिएंट जो कि 4GB 64GB के साथ होने वाला है, इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस होने वाली है लगभग 14,000 से 15,000 रुपये तक का, और स्टैंडर्ड वर्जन की प्राइस हो सकती है लगभग 18-90,000 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हो, ये मीडियम सेगमेंट का फ़ोन है और 20,000 रुपये के अंदर तक का ही होने वाला है। और जहाँ तक लॉन्चिंग की बात है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं चाइना में अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो रिसेंटली अभी कोई भी लॉन्चिंग डेट के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कंपनी की तरफ से, तो डेफिनेटली ये अप्रैल के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है। फ्रेंड, ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो टेक्निफाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कोई भी जुड़ा सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।